आरएलए प्रभारी मुकेश पारिक ने बृहस्पतिवार को टोंग में बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक लेकर चुनाव की रणनीति पर चर्चा की। सचिन पायलट के गढ़ में बोलते हुए उन्होंने कहा है कि इस बार सचिन पायलट ना तो विधानसभा में कोई चमत्कार कर पाए और ना ही लोकसभा चुनाव में कर पाएंगे। गहलोत और पायलट सिमट कर रह गई हैं, अब सिर्फ मोदी का चमत्कार चलेगा। और मुकेश पारिक ने कहा है कि मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इस बार 400 पार। पायलट ना तो कोई विधानसभा में चमत्कार कर पाए और ना कोई लोकसभा में कर पाएंगे। हम चाहे सचिन पायलट जी हो और चाहे अशोक गहलोत जी हो, अब जनता में इनका कोई जनाधार नहीं रहा है। एक सीमा तक ये रह गए हैं, तो कोई ये अभी सिर्फ और सिर्फ अगर कोई चाहे चमत्कार कहिए चाहे कोई आह्वान कहिए, सिर्फ और सिर्फ मोदी जी का है और जनता मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट करेगी। अलवर शहर के वार्ड नंबर 8 मेहताब सिंह का नोहरा मोहल्ले में काफी दिनों से पानी की समस्या बनी हुई है। पानी की समस्या से पीड़ित महिलाओं ने विरोध जताया है। महिलाओं ने बताया कि नलों से पानी नहीं आने की वजह से पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। 3-4 दिन में एक बार पानी आता है, वो भी मात्र 10 मिनट के लिए। ऐसे में वो लोग पीने के पानी के लिए टैंकर मंगवाने के लिए मजबूर है। लोगों का आरोप है कि पानी की समस्या को लेकर प्रशासन को अवगत कराने के बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। उनकी मांग है कि इस समस्या का जल्द से जल्द हल निकलना चाहिए। वर्तमान में जो परिस्थिति है पूरे शहर की, ये पानी की थोड़ी समस्याओं को इस सामना करना पड़ रहा है। मेरे वार्ड नंबर 8 में इस दिन 3 दिन छोड़ के, कई क्षेत्रों में 3 दिन छोड़ के चौथे दिन आता है, वो भी कहीं टेल एंड पे तो पहुंच नहीं पाता, लेकिन जैसे 10 से 12 मिनट पानी आता है और सप्लाई इस टाइम बिल्कुल व्यवस्था खराब पड़ी है। जब अधिकारियों से हमने बात करी तो समस्या ये निकली कि स्कीम 4 की जो सप्लाई यहाँ पे आती थी वो बोरिंग बिल्कुल ही ड्राई हो गई है, यानी बिल्कुल उनमें पानी खत्म हो गया है, पानी नहीं आ रहा। 4-4, 5-5 दिन में पानी आता, पहले खारा पानी आ जाए तो खारा पानी से सफर कर लिया, अब मीठा पानी भी इतना नहीं आ रहा जो हम पी ले रिश्तेदार भी आ, तो क्या प्या क्या प्या तो अब कैसे ले, कहां से ला रहे हैं पानी? कहीं ना 4-5 दिनों का पानी है ही बिल्कुल, एक एक बूंद रीति बड़ी खा जाओ। झुंझुनू पुलिस महिलाओं और बालिकाओं के सम्मान और सुरक्षा को ठेस पहुंचाने वालों पर प्रभावी कार्रवाई कर रही है और इसी के तहत निर्भया स्क्वाड टीम ने मंडावा कस्बे में कार्रवाई करते हुए स्कूल कॉलेज के बाहर खड़े होकर छात्राओं पर छींटाकशी और फप्तियां कसने वाले 6 मनचलों को गिरफ्तार किया है। तो निर्भया स्क्वाड ने यह कार्रवाई की है, मनचलों पर पुलिस का एक्शन देखने को मिला है। 6 मनचलों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। निर्भया स्क्वाड की यह कार्रवाई देखने को मिली है। चौमू से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर JDA ने सील की है 4 मंजिला इमारत। जयपुर रोड पर बनाई गई थी अवैध व्यवसायिक इमारत, यूरोलॉजी हॉस्पिटल के पास बनाई गई थी ये इमारत। मुख्य नियंत्रक पर्यटन महेंद्र शर्मा के निर्देशन में यह कार्रवाई हुई है। JDA के पर्यटन दस्ते ने पूरी इमारत को सील कर दिया है। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, 4 मंजिला ये इमारत है जिसे सील कर दिया गया है। यूरोलॉजी हॉस्पिटल के पास बनाई गई थी ये इमारत, जहां पर JDA द्वारा इसे सील कर दिया गया है और वहां पर बकायदा जो सील वाला ताला है वो लगा दिया गया है। यहां पर एक कागज भी चिपका दिया गया है और साथ ही साथ लिख भी दिया गया दुकान के बाहर कि JDA द्वारा ये सील किया गया है। रोशन संवाददाता इस वक्त फोनलाइन पे हमारे साथ है। रोशन, JDA द्वारा एक बिल्डिंग को सील कर दिया गया है, इसके पीछे क्या कारण सामने आए हैं? देखिए, अक्सर आचार संहिता के दौरान इस तरीके के जो अवैध निर्माण हैं उनकी जो शिकायतें अक्सर आती है, ऐसे में ये जो बिल्डिंग जो बनाई जा रही थी चोमू इलाके के अंदर स्थित ये 4 मंजिला अवैध रूप से बिल्डिंग बनाई गई थी, बिना लैंड यूज कन्वर्जन के कॉमर्शियल जो निर्माण किया गया था। जैसे ही JDA को इसकी जानकारी मिली, शिकायत मिली, उसके बाद में इस अवैध निर्माणकर्ता को JDA ने नोटिस दिया। जब नोटिस का जवाब नहीं मिला तो आज इस 4 मंजिला बिल्डिंग को JDA के प्रवर्तन दस्ते ने सील कर दिया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जो JDA की जो टीम है वो जो चोमू इलाके के अंदर अवैध रूप से जो बनाई गई ये 4 मंजिला बिल्डिंग है इसे सीज किया गया। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से शहर में अवैध रूप से बेतरती तरीके से जो बिना लैंड यूज कन्वर्जन के जो निर्माण हो रहे हैं उनके खिलाफ JDA की जो कार्रवाई है वो देखने को मिली। ठीक है रोशन, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो साफ है कि चुनाव को लेकर जो आचार संहिता लगी हुई है उस दौरान जो अवैध निर्माण होते हैं उन्हें सील कर दिया जाता है और उसी सिलसिले में ये कार्रवाई भी की गई है। JDA ने 3-4 मंजिला इमारत को सील किया है।
आगे बढ़ते हैं। जैसलमेर के जिजनियाली थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक की पहचान ढाणी तेज मालता निवासी खेत सिंह के तौर पर हुई है। खेत सिंह के पास से एक 12 बोर गन, एक चौपीदार गन, 637 जिंदा कारतूस, 440 खाली कारतूस कैश और 560 ग्राम विस्फोटक पदार्थ, हथियार रिपेयरिंग का सामान बरामद किया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में एडहॉक कमेटी क्या 3 महीने में चुनाव करा पाएगी, इसे लेकर तमाम सवाल जवाब किए जा रहे हैं। इसका बड़ा कारण एडहॉक कमेटी का पिछला इतिहास है। देखिए रिपोर्ट। चुनावी महासंग्राम के साथ ही राजस्थान क्रिकेट में सियासी संग्राम जारी है। एडहॉक कमेटी तो बन गई और 3 महीने में चुनाव कराने की बात भी कही जा रही है, लेकिन एडहॉक कमेटी के चुनाव कराने का इतिहास ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। आरसीए से ही जुड़े एक ऐसा जिला संघ पर भी इसी कदर एडहॉक कमेटी बनी थी जो 3 महीने तो छोड़िए 3 साल नहीं बल्कि 5 साल में भी चुनाव नहीं करवा पाई। साल 2018 में जयपुर जिला क्रिकेट संघ के चुनाव में अध्यक्ष पद पर कांग्रेस के पूर्व मंत्री महेश जोशी ने जीत दर्ज की थी, जबकि उनके करीबी मोहम्मद इकबाल डॉक्टर बी आर सोनी से 5 वोटों से हार गए थे। हालांकि जेडीसीए के 2018 में हुए चुनाव में अनियमितताओं की शिकायत पर 30 जनवरी 2020 को सहकारिता रजिस्ट्रार ने जिला कार्यकारिणी को भंग करते हुए एडहॉक कमेटी बनाई थी। जेडीसीए के सचिव डॉक्टर बी आर सोनी ने अथॉरिटी खेल सचिव और हाई कोर्ट में अपील की। कोर्ट में पहुंचे विवाद ने चुनाव पर तो रोक लगवा दी। हालिया दिनों में जेडीसीए की एडहॉक कमेटी को 21 जून 2024 तक का समय मिला है। आरसी के इलेक्शन से पहले हम जयपुर जिला के इलेक्शन करवा लें, तो उसके लिए हमने अकाउंट्स की पूरी ऑडिट करवा ली है और टाइमिंग हमने दोनों जो जिन गुटों में आपस में थोड़ा सा मतभेद है तो उनको जो पुराने एक साथी हैं तो उनको बैठा के बात करा ली है। तो हमें उम्मीद है कि जो भी हमारा जो डिस्प्यूट चल रहे हैं वो हम विदिन अ मंथ खत्म करा के हम इलेक्शन करवा लेंगे। हो सकता है इलेक्शन भी हमारे निर्विरोध हों। जयपुर में जिला कार्यकारी नहीं होने से आरसीए की राजनीति में जयपुर जिला संघ कमजोर होता गया और बाकी जिलों के पदाधिकारी को आरसीए में जगह मिलती रही, लेकिन अब सुलह की राहें भी नजर आने लगी है। मामले में पूर्व सचिव रहे विमल सोनी का कहना है कि क्रिकेट को बचाने के लिए बेहतर कदम उठाने होंगे। जगह बैठ के और इसको समस्या का हल निकाले और क्रिकेट वापस जो ए डिवीजन बी डिवीजन जो जयपुर क्रिकेट एसोसिएशन कराती वो भी शुरू हो या 8-10 टूर्नामेंट भी चले। आपको मालूम है जयपुर के अंदर जितनी क्रिकेट हो रही है जितनी एकेडमीज पूरे राजस्थान के लड़के यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो सब जयपुर में ही हो रहा और आज जितने भी लड़के सेलेक्ट हो रहे हैं जयपुर की क्रिकेट खेल के ही सेलेक्ट हो रहे हैं। इशू ये है कि क्रिकेट जयपुर में बर्बाद हो गई, ना तो कोई ABC डिवीजन हुई ना कोई क्रिकेट हुई, बिकॉज क्रिकेट चल ही नहीं रही है। मेरे पास भी लोगों का कहा है, दुनिया ने भी कहा है कि अपन लोग सब मिलके अब देयर इज नो कंट्रोवर्सी एज फार एज इंडिविजुअल। बहरहाल राजस्थान में क्रिकेट की राजनीति से जुड़े विवाद राज्य संघ से लेकर जिला संघों के बीच भी बने हुए हैं, जिससे नुकसान सिर्फ खेल और इस खेल से जुड़े खिलाड़ियों को ही भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि खेल को बचाने के लिए अगर खेल प्रशासकों के आपसी झगड़े और कलह खत्म हो जाए तभी जाकर जयपुर के क्रिकेट को आगे बढ़ाया जा सकता है। जयपुर से महेश धारीच की रिपोर्ट। बात बाड़मेर की कर लेते हैं, जहां पर दिलचस्प और कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस सीट पर अब त्रिकोणीय मुकाबला है। कुछ महीने पहले छात्र नेता से विधायक बने रविंद्र भाटी के नामांकन के बाद न सिर्फ बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चौधरी मुश्किलों में फंस गई हैं, बल्कि कांग्रेस प्रत्याशी भी सांसें फूल रही हैं। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान की बाड़मेर बनी हॉट सीट। बाड़मेर में त्रिकोणीय मुकाबला, रविंद्र भाटी का निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन। बाड़मेर लोकसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबले की संभावना बढ़ गई है। निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विधायक रविंद्र सिंह भाटी की ओर से 30 मार्च को 2 नामांकन पत्र दाखिल किए गए थे। इसके बाद भाटी ने गुरुवार को भी नामांकन दाखिल किया। इस बीच नाम वापस लेने की अटकलों के बीच भाटी ने न्यूज 18 इंडिया से कहा कि वो किसी भी कीमत पर अपना नाम वापस नहीं लेंगे,
लेकिन बाड़मेर में मैच एक तरफा नहीं है। एक दिन पहले कांग्रेस उम्मीदवार और मेदराम के नामांकन रैली में भी भीड़ कम नहीं थी और मेदराम हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी से कांग्रेस में शामिल हुए थे। कांग्रेस ने बाड़मेर से टिकट दिया लेकिन भाटी के नामांकन से ज्यादा मुश्किल में नजर आ रहे हैं बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी। वजह है भाटी के नामांकन से परंपरागत राजपूत वोट और मोदी से प्रभावित युवा और महिला वोट बैंक में सेंध का खतरा। चौधरी का कहना है कि आखिर में वोट मोदी के नाम पर ही पड़ेगा। राजस्थान में 25 सीट में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती बाड़मेर में ही है। भाटी के समर्थक भाटी को मारवाड़ का मोदी कहते हैं, सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर है। महज 26 साल की उम्र में 3 महीने पहले बाड़मेर के शिव से भाटी निर्दलीय विधायक चुने गए। भाटी तब बीजेपी में थे, टिकट नहीं दिया तो बागी हो गए। बाड़मेर में 2014 में ही ऐसे हालात बने थे। तब बीजेपी से बगावत कर केंद्रीय मंत्री रहे जसवंत सिंह ने निर्दलीय ताल ठोकी थी। हालांकि मोदी लहर के चलते बीजेपी सीट बचाने में सफल रही। बाड़मेर में जाट दलित राजपूत और मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में है। फिलहाल 4 जून को साफ हो जाएगा कि बाड़मेर पर किसका कब्जा होगा। हम विकास की बात करते हैं लेकिन आज भी देश की आधी आबादी अपने हक और अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही है। बात करें प्रदेश की तो पिछले 2 साल में आपको बता दें कि 9000 से अधिक अलग अलग मामले सामने आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। देश के विकास के साथ साथ अगर सबसे ज्यादा बात होती है तो वो है महिलाओं के अधिकारों की। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदला हुआ है, महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है लेकिन अब भी हालात पूरी तरह ठीक नहीं है। महिला आयोग महिलाओं की सुरक्षा, हक और अधिकारों की रक्षा के लिए काम करता है, तो वहीं राजनीतिक पार्टियां भी महिलाओं की सुरक्षा के वादे तो करती हैं लेकिन धरातल पर आज भी महिलाएं शोषण